हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल कर आ रही है लोकल ट्रेन से। कल 1 सितंबर 2021 कल से कुछ नए नियम लागू होंगे लोकल ट्रेन को लेकर। लंबे समय से चल रहे विवाद को कल अल्प विराम लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये मामला अब हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट में जो है एक पिटीशन दायर की गई, जिसमें कहा गया कि आखिरकार किसी व्यक्ति के वैक्सीन के डोज के स्टेटस को देखकर लोकल में अनुमति दी जाए, ये कहां तक सही है। यानी जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगवाई है उन्हें अनुमति होगी और जिन्होंने नहीं लगवाई है उन्हें अनुमति नहीं होगी। इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है विवाद चल रहा है। और साथ ही आसानसोल सर्विस से जुड़े लोगों में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दो डोज नहीं लगवाई हैं। काफ़ी सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सिंगल डोज लगवाई है, फिर भी उन्हें अनुमति है। तो आखिरकार ऐसा क्यों क्यों लोकल में दो डोज लगवाने वाले आम जनता के साथ आसानसोल सर्विस से जुड़े लोग भी सफ़र कर रहे हैं जिनमें सिंगल डोज तक नहीं लगवाए। इस विवाद को इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद आखिरकार अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अंदर ले लिया है। जी हाँ, अब इसके ऊपर एक कल बड़ा फैसला आ सकता है कि लोकल में आम जनता को भी अनुमति दी जाएगी। टाइम टेबल में बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि कुछ घंटों के लिए जो गैप है वो बरकरार रखा जाएगा ताकि थर्ड वेव से भी बची जा सके, जब तक सभी लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते तब तक। तो यानी कल से आपको नए टाइम टेबल के हिसाब से जो है अनुमति दी जा सकती है, क्योंकि कल इसके ऊपर एक बड़ा फैसला होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।